लड़ाइयाँ लगाई इन्होंने बड़ी बड़ी, अभी पूरी टीम इन्होंने तैयार की मेरे। हाँ भाई, अरबी पराठे हैं जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। पराठा आइडिया तो ये सऊदी अरब का है असल में, तो भाई गए थे 1980s में वहाँ पे सऊदी अरब, वहाँ देखा था तो उन्होंने यहाँ ला के शुरू कर दिया। वेजिटेबल और चिकन जो है उसका एक तरह से मिक्सचर रही है। ये बना, ये बन गया अभी पराठा। हम आ चुके हैं फ्रेस्को। अच्छा, ये फ्रेस्को चौक भी कहलाता है। फ्रेस्को चौक, ये फ्रेस्को चौक भी कहलाता है। और वैसे बंस रोड का चौक है, आगे बंस रोड है, और यहाँ पे हम खड़े हैं फ्रेस्को पे। ये सामने आप देखें रश, ये फ्रेस्को बैठ गई है। अच्छा, रश आप देखें, तीन बड़ी बड़ी इन्होंने कढ़ाइयाँ लगाई हैं और कढ़ाइयों पर चल रहा है इस वक्त पूरी कराची वालों की फेवरेट जो है ना, स्पेशल मगर नाश्ता इतवार के दिन का हलवा पूरी का होता है। ये देखें हलवा पूरी भी चल रही है और दीगर आइटम भी चल रहे हैं। ये दो कढ़ाइयाँ लगाई इन्होंने बड़ी बड़ी, और ये पूरी टीम इन्होंने तैयार की है। ये टीम है पूरी फ्रेश होगी और हलवा पूरी पे लगी हुई है, और ये भाई सारे के सारे जाना। और ये सामने जाना, ये पब्लिक पार्टी में पूरा ये रश है फ्रेश होगा। अच्छा, ये दा भाई अरबी पराठे हैं जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। ये अरबी पराठे हैं, ये तैयार होकर यहाँ रखे हैं और आगे तो यहाँ सप्लाई जाता है। ऑयल में डिप करके इसको बनाया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है दा भाई लगता है हाई हो जाएगा खाने के बाद, कभी कभी बढ़ जाना चाहिए। अरबी पराठा जब कुछ ठीक ठाक जो है ना ऑयली लग रहा है मुझे, तो क्या ख्याल है, ट्राई किया जाए? बिल्कुल ट्राई करते हैं जी, अरबी पराठा चलते हैं। अच्छा जी, अरबी पराठा हो रहा है तैयार, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से इन्होंने पेड़ा बेला है और ये इसको करेंगे। ये देख रहे हैं आपका, इसको बना लेते हैं। ये चौकोर रेक्टेंगल शेप में होता है, ये बन गया ना। अब इस पर आई फिलिंग, ये फिलिंग आ गई, ये भाई ने फिलिंग डाल दी है। अब इस पर ये एक पूरा अंडा डालेंगे, ये अंडा आ गया, इसको थोड़ा सा इन्होंने मिक्स कर दिया अंडे के साथ। और ये बना, ये बन गया अभी पराठा। ये देख रहे हैं आप, ये रहे सर, ये तला जा रहा है। ये फहीम भाई खड़े हैं हमारे साथ सिलेंडर पे, क्यों खड़े हैं खैरियत भाई? अच्छा, आपने कहा गैस को पकड़ के रखो, सही है। ये बताएं, अरबी पराठे का आइडिया कैसा है आपको? अरबी पराठा आइडिया तो ये सऊदी अरब का है असल में, तो भाई गए थे 1980s में वहाँ पे सऊदी अरब, वहाँ देखा था तो उन्होंने यहाँ ला के शुरू कर दिया, तो माशाल्लाह नहीं चलता है सर। तब एक जो पब्लिक सऊदी अरब में रहती है वहाँ पे अरबी पराठे खाती है, टेस्ट उनका डेवलप हो गया है, वो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं। वो एक थोड़ा डिफरेंट होता है उसके हिसाब से, वहाँ सऊदी अरब के हिसाब से यहाँ ज़्यादा कीमत ज़्यादा रखते हैं, वहाँ वो थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा रखते हैं, ये फ़र्क है। हम लोग जो कि कीमा पीक हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो आपने उस लिहाज से पाकिस्तानी लिहाज से आपने कर दिया है, थोड़ी मिर्चें थोड़ी तेज़ कर दी हमने, क्योंकि पाकिस्तानी थोड़ी स्पाइसी खाते हैं ज़रा पराठों। मिर्चे तेज़ नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं भाई, बिका तो यहाँ पसंद नहीं करते काले कराची वाले। चले फिर ट्राई करते हैं अरबी पराठा, इंशाल्लाह बैठते हैं वहाँ बैक साइड पे बैठते हैं सामने। ये जगह है, ये यहाँ बैठ जाते आइए। ये आ गया जी पराठा, अरबी पराठा, ये सीने पराठे का।
फ्रेस्को का अरबी पराठा आ गया जी, इसके लिए हम खास यहाँ पर आए थे। उसमें फिलिंग जैसा कि भाई ने बताई थी, आप देखें वेजिटेबल और चिकन जो है उसका एक तरह से मिक्सचर रही है और पूरी फिलिंग जो है उसकी है। बाकी इसको डीप फ्राई करके जो है ना तला गया है घी के अंदर और एक छोटा सा उन्होंने लगाया हुआ आपने देखा होगा तवा टाइप का, उसके अंदर जो है ना ये डालना है और एक वक्त में जो है 8-10-12 जो है ना ये इस तरह से तल रहे होते हैं। इससे पहले जो इसकी फिलिंग होती है, फिलिंग होने के बाद इसको रैप किया जाता है, रैप करने के बाद इसको यहाँ पर ला के तवे पे तला जाता है और ये कटिंग करके देखें ना 4 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। सही है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। साथ में इन्होंने चटनी दी है, ये चटनी है, चटनी कोई बारबेक्यू टाइप की लग रही है, उसको देखते हैं क्या आगे वाला लगेगा कि चटनी कैसी है। बिल्कुल ये डिफरेंट नाश्ता है ये और ऊपर से जो है ना क्रिस्पी है, अंदर जो है काफ़ी नरम है और सॉफ्ट इन्होंने फिलिंग दी हुई है, फिर अंदर जो लेयर है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। जब इसको हम खाते हैं तो पहला जो बाइट आता है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी आता है, उसके बाद फिर आप उसको नरम फील करेंगे। अभी जनाब फ्रेस्को का अरबी पराठा मौजूद है हम लोगों के सामने, ट्राई करें, अभी भी काफ़ी गर्म हो रहा है। सूरत हाल इसकी चेक कर लें, अंडा भी डलाओ इसमें भाई, काफ़ी हैवी सीन लग रहा है और चटनी सब इसको ट्राई करते हैं, ऊपर से तो क्रिस्पी भी लग रहा है, गर्म हो रहा है अभी भी ठीक ठाक। चटनी के साथ लगा लिए, खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहाँ गए थे भाई, ज़बरदस्त जायका है, सब्जियाँ चिकन और अंडा, हेल्दी भी हो जाएगा और मज़ेदार भी। तो जनाब हमने अरबी पराठा खा लिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और इतवार की मेहनत वसूल हो गई। बिल्कुल मेहनत वसूल हो गई और थोड़ा सा डिफरेंट था जो अमूमन आप लोग नाश्ता करते हैं, आप लोग भी आकर ट्राई करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा सा एक अलग ही चीज़ थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब हासिल करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।